हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गिरीश कुमार और आप सबका स्वागत करता हूं वान्या एजुकेशन फार्मेसी के अंतर्गत। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिफ्थ सेमेस्टर की सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसिस सेकंड, जिसके अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे मेटाबॉलिक पाथवे, जिसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा सिकेमिक एसिड पाथवे। तो हम जानेंगे कि सिकेमिक एसिड पाथवे क्या होता है, इसको सिकेमिक एसिड पाथवे क्यों कहा जाता है, इस सब की कंप्लीट स्टडी हम इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। तो फर्स्ट वन हम जानेंगे कि इसको सिकेमिक एसिड पाथवे क्यों कहा जाता है। सिकेमिक एसिड पाथवे इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो सिकेमिक एसिड पाथवे की जो फर्स्ट वन स्टडी की गई थी वो सिकेमिक प्लांट पे की गई थी, इसलिए इसको सिकेमिक एसिड पाथवे भी कहा जाता है। अब इस पाथवे के अंतर्गत होता क्या है, ये हम जानेंगे। सिकेमिक एसिड पाथवे के अंतर्गत क्या होता है कि जो प्राइमरी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होते हैं, अब प्राइमरी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट क्या होते हैं, जो प्लांट से अपने को डायरेक्ट ऑप्टेन होते हैं उसको प्राइमरी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट बोलते हैं। उसके बाद सेकेंडरी मेटाबॉलिक जो प्राइमरी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट से बनते हैं उसको सेकेंडरी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट। इस सिकेमिक एसिड पाथवे के अंतर्गत ये होता है कि जो प्राइमरी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है वो आपस में फर्दर फ्यूज होकर या फिर आकर रिएक्शन करके सेकेंडरी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। अब सेकेंडरी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट क्या क्या हो सकते हैं, ग्लाइकोसाइड हो गया, एमिनो एसिड हो गया, ये सारे सेकेंडरी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है। अब सेकेंडरी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट के अंदर हम इसमें ये पढ़ेंगे जो प्राइमरी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है फॉस्फोइनोल पाइरूवेट जो हमको किससे प्राप्त होता है, ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है पाइरूवेट के अंदर, जिसके अंतर्गत हमको मिलता है फॉस्फोइनोल पाइरूवेट। और सेकंड वन अपना जो प्राइमरी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है डीएरिथ्रोज-4-फॉस्फेट जो कि हमको पेंटोज साइकिल से मिलते हैं, जिसको हम एचएमपी पाथवे भी कहते हैं। ये क्या करता है, ये प्राइमरी प्रोडक्ट आपस में मिलकर सेकेंडरी प्रोडक्ट क्रोसिमिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। ये क्या है, सेकेंडरी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है और ये फर्दर आगे डिवाइड होकर एमिनो एसिड का फॉर्मेशन करता है। अब देखिए एमिनो एसिड होता क्या है, एमिनो एसिड एक का चैन होती है जिसके अंदर एक एल्काइन चैन होती है, जिसके एक तरफ एमिन ग्रुप प्रेजेंट होता है और दूसरी तरफ कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। यदि हम इस एल्काइन चैन की जगह यदि हम कोई एरोमेटिक रिंग लगा देते हैं तो वो एरोमेटिक एमिनो एसिड का फॉर्मेशन करेगा। तो अब जानते हैं सिकेमिक एसिड पाथवे में क्या होता है, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट प्लस डी इरेथ्रो 4-फॉस्फेट ये क्या है, प्राइमरी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है। ये आपस में फ्यूज होकर ये आपस में जुड़कर 3-डेक्सटो डी एरबिनो हेप्टालोसोनिक एसिड 7-फॉस्फेट शॉर्ट फॉर्म में बोले तो DAHP का फॉर्मेशन करती है। इसमें क्या होता है, इसमें एक एंजाइम दे रखा है DAHP सिंथेस। तो यहाँ पर एंजाइम याद करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि एंजाइम आपको यह पता है कि जो प्राइमरी प्रोडक्ट है, जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट क्या बन रहा है, तो हम एंजाइम को आसानी से याद कर सकते हैं। जो प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट के पीछे सिंथेस लगा देना है आप सबको। जैसे कि देखिए हमारा जो यहाँ पर प्रोडक्ट बन रहा है DAHP बन रहा है, तो हमारा जो एंजाइम होगा वो क्या बनेगा, DAHP सिंथेस। जैसे कि आगे जानेंगे DAHP से क्या बनता है, 3-डेक्सट्रोक्विनोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, मतलब DH क्यों। अब इसमें एंजाइम कौन सा लगेगा, अब हम ये जो एंजाइम लिखा हुआ है इसकी जगह हम DHQ सिंथेस भी लिख सकते हैं। क्या, DHQ सिंथेस। मैंने आपको जैसे बताया कि रिएक्टेंट से क्या बनता है प्रोडक्ट, तो हमको एंजाइम याद नहीं करना, हमने इसके क्या करना है, जो अपना प्रोडक्ट बन रहा है उसके पीछे सिर्फ उनको सिंथेस लगा देना है, ये अपना क्या हो जाएगा, एंजाइम। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 3-हाइड्रोक्विनिक एसिड है, मतलब DHQ है, अब इसको हाइड्रोक्विनिक क्यों बोलते हैं, डीहाइड्रोक्विनिक बोल रहे हैं, डी मतलब रिमूव होना और हाइड्रो मतलब वाटर, इसमें से क्या होता है एक वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, इसलिए डीहाइड्रोक्विनिक एसिड भी बोल सकते हैं इसको। अब नेक्स्ट वन प्रोडक्ट, इसके जो आगे वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा, 3-डीहाइड्रोसिकेमिक एसिड यानी DHS का फॉर्मेशन होगा। इसमें जो एंजाइम लगेगा DHS सिंथेस भी लग सकते हैं, या फिर इसकी जगह डीहाइड्रेट इसको इसलिए बोला जा रहा है कि जो इससे जो ये वाला जो प्रोडक्ट बनेगा अपना, इसमें से एक हाइड्रोजन क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, इसलिए इसको डिहाइड्रेट भी बोला जा रहा है। अब ये क्या, जो ये जो एरो दर्शा रहा है, क्योंकि इसके जो दोनों तरफ लाइन के दोनों तरफ एरो दिखा रहा है, मतलब कि यह प्रोडक्ट क्या है, इंटर कन्वर्ट हो सकता है, इस फॉर्म से इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है और इस फॉर्म से इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है। अब आगे वाला नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखो 3-डीहाइड्रोसिकेमिक एसिड मतलब DHS क्या बनेगा, सिकेमिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। अब सिकेमिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, सिकेमिक एसिड सिंथेस, ये एंजाइम भी लगा सकते हैं और इसकी जगह ये एंजाइम भी लिख सकते हैं, क्योंकि डीहाइड्रोजनेज लिखा गया है, क्योंकि जो इसका जो स्ट्रक्चर होगा इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव होकर सिकेमिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा,
इसीलिए इसको सिक्के में डिहाइड्रोजनेज एंजाइम को बोला जा रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, सिक्किमिक एसिड में क्या होता है, सिक्किमिक एसिड सिक्किमेट 3-फॉस्फेट का फॉर्म में फर्क कन्वर्ट होगा। अब ये देखिए फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, जब कोई प्रोडक्ट फॉस्फेट ग्रुप में टूटता है तब वहाँ एंजाइम लगता है काइनेज। तो जैसे कि देखिए सिक्किमिक एसिड क्या होता है, सिक्किमिक 3-फॉस्फेट में टूट रहा है, तो यहाँ पर कौन सा एंजाइम लगेगा, सिक्किमेट काइनेज एंजाइम लगेगा। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, इसके जो आगे वाले सिक्किमेट 3-फॉस्फेट से क्या बन रहा है, 5-इनोपाइरोवेल सिक्किमेट 3-फॉस्फेट मतलब EPSP का फॉर्मेशन है, तो यहाँ पर एंजाइम क्या लगेगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपको यहाँ पर एंजाइम याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके पीछे आपको सिर्फ सिंथेस लगाना है, वहाँ का जो यूज होने वाला एंजाइम अपने आप बन जाएगा। जैसे कि EPSP जहाँ पर जो अपना प्रोडक्ट बन रहा है, तो अपना जो एंजाइम रहेगा वो क्या बनेगा, EPSP सिंथेस। अब मैंने बताया था कि दो प्राइमरी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट मिलकर सेकेंडरी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, तो देखिए ये 5-इनोपाइरोवेल सिक्किमेट 3-फॉस्फेट मतलब EPSP से क्या बनेगा, क्रोसिमिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। ये क्या है, एक सेकेंडरी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है। अब क्रोसिमिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, अब इसमें एंजाइम कौन सा लगेगा बताइए, क्रोमिसेट सिंथेस का सिंथेस यहाँ पर एंजाइम लगेगा। अब देखिए अगले स्टेप क्या है, ये क्या है, एक सेकेंडरी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है। अब ये क्या होता है, फर्दर आगे डिवाइड होकर एमिनो एसिड में ब्रेक डाउन होता है। क्रोसिमिक एसिड क्या होता है, सेकेंडरी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है, ये आगे फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड होकर क्या करेगा, एमिनो एसिड में ब्रेक डाउन होगा। फर्स्ट वन पैरा एमिनो बेंजोएट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पाबा भी बोलते हैं, यह करेगा फ्लोइड्स का फॉर्मेशन करेगा। सेकेंड में प्रीफिनेट से फेनिलामिन और टायरोसिन एमिनो एसिड का फॉर्मेशन होगा। ये सब क्या है, ये एमिनो एसिड के टाइप्स हैं। थर्ड वन क्या है, एंथ्रानिलिंथ क्या है, ये ट्रिप्टोफैन का फॉर्मेशन करेगा। ये सब अपने हैं एमिनो एसिड, ये क्या करते हैं, जो प्राइमरी प्रोडक्ट हैं आपस में फ्यूज हो गए और सेकेंडरी प्रोडक्ट मतलब कि एमिनो एसिड का फॉर्मेशन हो गया। इसी के साथ अपना सिक्किमिक एसिड पाथवे कंप्लीट होता है। अब और जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में आपके मिलेंगे। तो वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा।